हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज नाश्ते में बनने जा रही साबूदाना की खिचड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिली खिली बनेगी। एक ट्रिक है, मतलब छोटी सी ट्रिक, अगर आप ये कर लेंगे ना तो बहुत ही खिली खिली हमारी साबूदाना की खिचड़ी बनेगी। तो देखिए, साबूदाना 1 से 2 घंटे के लिए आप भिगो दीजिए, या आप 30 से 40 मिनट के लिए भी भिगो सकते हैं। और देखिए, उधर आलू के 2 आलू के पीसेस बहुत ही छोटे छोटे काट के रखे हुए हैं। तो बुआ जी बनाने जा रही हैं साबूदाना की खिचड़ी। देखिए, अब इसमें रखा है कढ़ाई ऑयल, मतलब इसमें ऑयल नहीं, सॉरी, घी डाला है, देसी घी, या आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें डालेंगे, क्योंकि खिचड़ी मूंगफली के दाना के बिना तो अधूरी है, तो इसमें मूंगफली के दाना पहले हम भूंज लेंगे। देख सकते हैं, इसमें पहले हमने, मतलब बुआ जी ने भूंजे मूँगफली के दाना। और ये देखिए, करी पत्ता, करी पत्ता का अलग ही टेस्ट होता है। आप चाहे पोहा बनाए, कोई भी चीज़, आप करी पत्ता ज़रूर डालिएगा। तो देखिए, भून चुके हैं, उसमें अब डाला है जीरा, उसी घी बच गया था कढ़ाई में, तो उसी में हमने डाला जीरा। जीरा के बाद हरी मिर्च डाली है, और अब डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता धुले हुए थे, थोड़ा दूर से डाले थे क्योंकि घी छिटक रहा था। और अब देखिए, जो आलू हमने भिगो रखे थे ना, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस एकदम काटे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये गल जाएगा। और बड़े अगर पीसेस काटेंगे ना, तो इसको मतलब पकने में टाइम लगेगा। और अब हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं 1 से 2 टमाटर। जिस क्वांटिटी में आप बनाना, मतलब ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से मूँगफली के दाने, आलू और मतलब टमाटर ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आप अगर साबुत डालना चाहें मूंगफली के दाने, तो आप साबुत डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोटा दरदरा उसको कर लीजिए। और अब साबुदाने में कुछ मसाले ऐड करना है, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और इसमें आप अगर नींबू डालना चाहें तो नींबू डाल सकते हैं, और अगर नींबू आप नहीं, तो बुआ नींबू नहीं था, तो बुआ ने जरा सी 1 चुटकी टाटरिक डाली थी। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, साबुत जो मूंगफली के दाने थे, ये सिलबट्टे में मतलब दुरदुरे पीस लिए थे, क्योंकि इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। और इधर हमारे आलू मतलब पक चुके हैं लगभग, और इनको थोड़ी देर के लिए आप इस तरीके से ढक दीजिए, और बीच बीच में आप देखते रहें। अगर आपके आलू जब आधे कच्चे आधे पक्के पक जाएं, तब आप इसमें टमाटर ऐड कर दीजिए। एक बार आप इस तरीके से मतलब ये साबूदाना की खिचड़ी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिली खिली बनेगी। बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक आपको अपनानी है। क्या करना, साबूदाना आप 30 से 40 मिनट भिगो दें, लेकिन भिगोने के बाद आप इसको अच्छे से धुल के, आप इसको पानी में, मतलब पानी निचोड़ के आप रख दीजिए। फिर आप 1 घंटे 2 घंटे बाद भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एकदम खिला खिला साबूदाना बनेगा। अब हमें सारे मसालों को, आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप ये मसाले ऐड करिए, सेंधा नमक ऐड करिए, अगर और बिना व्रत के बना रहे हैं तो आप इसमें धनिया पाउडर और भी जो आप सब्जी मसाला ऐड कर सकते हैं। अब हमें इन सब चीज़ों को नीचे ही साबूदाना में मिला लेना, अब अच्छे से इसे हमें नीचे ही मिक्स करना है, कढ़ाई में हमें नहीं, पहले हमें इस तरीके से, आप देख सकते हैं, मूँगफली के दाना, सेंधा नमक, लाल मिर्ची पाउडर और भी जो आप बिना अगर व्रत के बना रहे हैं तो जो मसाले आप चाहें ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नींबू, मतलब आधा नींबू आप निचोड़ सकते हैं, तो उसमें टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। और इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना है। तो देखिए, हमारे टमाटर और हमारे आलू अच्छे से लगभग पक ही चुके हैं, क्योंकि अब हमें जो ये हमने साबूदाना और ये मूँगफली के दाने हैं जो सारे हमने ऐड किए हैं ना, अब हमें ये कढ़ाई में डाल देना। हमारा कैमरा थोड़ा घूम गया था, तो आप नहीं, थोड़ा उसको आप स्किप कर दीजिए। तो देखिए, ये सारे सारा मतलब साबूदाना जो था मिक्स करके रखा था, वो हमने कढ़ाई में डाल दिया, और कढ़ाई अच्छे से चला दिया है। और थोड़ी देर के लिए अब इसे आप ढक देंगे, और ढकने के बाद बार बार आप बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढकना है, क्योंकि हमारा ये साबूदाना और सारे आलू और टमाटर तो पहले ही अच्छे से पक चुके थे, बस इसे अच्छे से मतलब ये मिक्स हो जाए मसाले, इसकी वजह से इसे हमें थोड़ी देर 1 से 2 मिनट के लिए ही ढकना है। लेकिन हाँ, आप एकदम से 2 मिनट के लिए मत ढकिए, इसे बार बार बीच बीच में आप चलाते रहिए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, और थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।
और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि खिली खिली ये साबूदाना की खिचड़ी आपको कैसी लगी। आप बिना व्रत के भी नाश्ते में बना सकते हैं, हमारे यहाँ कोई व्रत नहीं था, आज नाश्ते में बुआ जी ने यही बनाया है। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।